स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। गुंजन सिर्फ मेरी बहू नहीं है, आज से मेरी बेटी भी है। तो उसे इस घर में वही इज्जत और वही प्यार मिलेगा जो इस घर की बेटी को मिलता है। दीदी, जिसे अपनी बेटी बुला रही, उसने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। चाहिए? आपने लिया नहीं? रतन, तेरी बहू दिखाई नहीं दे रही, कहाँ छुपा के रखा है उसे? अरे नहीं, जल्दी कहा, अभी तो वो सजने सवरने में लगी होगी। पहले ही उसके नखरे कम नहीं थे, अब तो ब्याह हो गया तो ज्यादा चमकेगी। और रतन ने भी ना पिंड की सबसे निराली लड़की को चुना है अपने रणवीर के लिए। गुंजन सिर्फ मेरी बहू नहीं है, आज से मेरी बेटी भी है। तो उसे इस घर में वही इज्जत और वही प्यार मिलेगा जो इस घर की बेटी को मिलता है। दीदी, जिसे अपनी बेटी बुला रही, उसने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आप यहाँ उसकी मुंह दिखाई के लिए आए हैं तो उसे आशीर्वाद दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, मैनु अच्छा लगेगा। और आपसे एक विनती है, इस घर में या इस घर के बाहर कहीं भी उसका मजाक ना उड़ाए। सत श्रीकाल जी। बलवंत भाई साहब कैसे हैं? रब दी मेहर है जी, पहले से तबीयत ठीक है, खतरे से बाहर है। अच्छी बात है, आइए। सत श्रीकाल चाहिए। सत श्रीकाल जी। अंदर। ओ क्यों आया तेरी लत नू? चाय जी, वो कल रात ना वो मैं सो रहा था और तो पलंग से गिर गया तो पैर में मोच आ गई और कुछ नहीं। पुत्र, पलंग से गिर के तेरी ये हालत है, हिमालय पहाड़ से गिरेगा तो क्या करेगा तू? मजाक। दवा लगा पुत्र, चंगा हो जाएगा। चाय जी, जरा इत्थे आइए। बैठो पुत्र, बैठो। बच्चे के बाजी, ये पोल खुल जाने दी आपकी। बाजी वीरा, गुंजन सिर्फ मेरी बहू नहीं है, आज से मेरी बेटी भी है। ओए? जी लगता है पिंड की कुड़ी अभी तक नाराज है आपसे। कोई गल नहीं, पूरा बंदोबस्त करके आऊं मैं आज, हैं? सारी नाराजगी ना ऐवें हट जानी है। बस तू अब देखता जा, बलदेव सिंह का कमाल है। रतन, तूने बहुत चंगा किया जो औरतों का मुंह बंद करवा दिया। पर एक गल दसूं पुत्र, मेरे को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि तू सारे गिले शिकवे सब कुछ भुलाकर अपनी बहू को अपनाने की कोशिश कर रही है पुत्र। और कोई चारा भी तो नहीं है ना चाय जी? हालात कुछ ऐसे हैं कि आता जाता कोई भी गुंजन पर कीचड़ उछालने से हिचकिचाता नहीं है। और अब वो मेरी बहू है, इस परिवार का हिस्सा बन चुकी है वो। उसकी इज्जत हमारी इज्जत है, उसके मान की रक्षा करना मेरा फर्ज बन गया चाय जी। रणवी की गलती को अनदेखा करने पे और गुंजन को स्वीकारने पे मजबूर हो गई हूँ मैं चाय जी। जब अपनी ही चोट देते ना तो चोट इतनी आसानी से नहीं भरती। दिल से सब कुछ बुलाने में वक्त तो लगेगा ही ना। हाँ पुत्र, वो तो सही है, पर तू चिंता मत कर, देखना रब जी सब कुछ चंगा ही करेंगे। Thank you.
देखो कितना प्यार करता है ना अपनी बोटी से, एक पल भी ना दूर नहीं रह सकता। पति को मुंह दिखाई के रस्म में होना नहीं चाहिए, पर ठीक है तो इतना उतावला हो रहा है तो रह जाए थे। मैनू कुछ काम है, मैं निपटा के आया, थोड़ी देर में आया। पुत्र आ जा, यहाँ बैठ जा, रस्म शुरू करते हैं। कितनी सोहनी लग रही है, खुश रहे बेटी सदा। तेरे वास्ते कंगन लेके आई हूँ, तेरे हाथ में ना बहुत अच्छे लगेंगे। चूड़ा कितने दे रहा? उतार दिता? ए की हो रहा है? अरे रिश्ता जोड़ने से लेकर ब्याह होने तक सब अपशगुन ही अपशगुन हो रहे। गुंजन तू जानती है ना कि चूड़ा इस तरह नहीं उतारते हैं। अरे सवा महीने के बाद तेरी सास उतरवाती है चूड़ा। कैसे तू सारे रीति रिवाज भूल के बैठी है? तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं कि ये चूड़ा पहन के रखना है? बता बता तूने ये चूड़ा क्यों उतारा? वो रणबीर ने कहा मैंने चूड़ा उतारने। मैंने मना किया लेकिन फिर भी उसने कहा। अरे ये रणवीर ने तुझे ऐसा कैसे कह दिया? और इतना बड़ा अपशगुन कैसे कर सकता है वो? अरे वो पिंड का ही है ना, वो नहीं जानता कि सुहागन के लिए चूड़े का मतलब क्या होता है? क्यों रतन, अरे उसने सुहागन की इतनी बड़ी निशानी उतरवा दी, हद भी हो गई। अरे कोई गुड्डो गुड़ियों का खेल है? जो मन विचाया सो किया, ऐ तो रिश्तों का मजाक उड़ाने जैसी बात हो गई। क्या उसका मन नहीं है इस रिश्ते में? नहीं नहीं, रणवीर तो हमेशा से ही उससे प्यार करता था और वही तो उससे ब्याह करना चाहता था, पर पता नहीं इतना बड़ा अपशगुन उसने करवा कैसे दिया। बस सब सारे लोग वैसे बिना असलियत जाने मेरे वीर जी पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? वीर जी ने कभी रीति रिवाजों को नजरअंदाज नहीं किया, उन्होंने हमेशा इस पंडित परंपराओं का पालन किया है। जरूर कुछ बात होगी जिसके कारण वीर जी ने चूड़ा निकालने वास्ते कहा होगा। रतन ऐसा क्यों हो सकता है जो उसने इतना बड़ा अपशगुन कर दिया? दुल्हन का चूड़ा बहुत भारी होता है, कभी कभी हाथ भी छिल जाते हैं। अगर वो इस कपड़े से चूड़े नु बांध के रखेगी तो उसे तकलीफ नहीं पहुंचेगी। भाभी के हाथों में चोट लग गई है चूड़े के कारण, इस वास्ते वीर जी नु परवाह हुई होगी जिसके कारण उन्होंने चूड़ा निकालने वास्ते कहा।
माना रीति रिवाज जरूरी होंगे, उनका मान रखकर सब कुछ करना होता है। पर अगर वीर जी ने इनका दर्द देकर चूड़ा निकालने वास्ते कहा तो वो भी इस रिश्ते को मान देने के बराबर हुआ। अगर अपनों को तकलीफ देकर रीति रिवाजों को निभाया जाए ना तो वो भी रिश्तों का अपमान करने जैसा होता है। और इन सारी बातों को अच्छे से समझते हैं वीर जी। अरे वीरा, अगर जरा सी चोट लग गई थी तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनने बड़े रिवाजों को अनदेखा कर दे। अगर उसको दर्द था तो उसके हाथों में रणवीर तवाई लगा देता, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उसका चूड़ा ही उतरवा दे। जाने दीजिए, अब अगर हम इस बात को ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो माहौल बिगड़ जाएगा, वो भी ऐसे शुभ मौके पे। इससे अच्छा होगा कि हम रस्म को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको क्या बताऊं रतन परजाय जी, आपकी तो किस्मत ही खराब है जो आपके बेटे और बहू ने अपनी शादी भरी जिंदगी की शुरुआत ही ऐसी की है। आपके बेटे और बहू की आगे की जिंदगी को अब तो रब ही बचाए। ये क्या शगुन अपशगुन लगा रखा है आप लोगों ने, मैनु बता सकते हैं? क्या शोभ अशोभ इंसान की तकलीफ से बढ़कर होता है? दर्द से ज्यादा महत्व इनको देना चाहिए। मेरे वीर जी ने इन सारी बातों की परवाह ना करते हुए गुंज गुंजन भाभी की तकलीफ की परवाह की, वो जरूरी है या शगुन जरूरी है? वीरा, तू शहर से पढ़ के आई है ना, इसलिए अपने पिंड की संस्कृति भूल चुकी है। भाई जी मैनू माफ कीजिएगा, जो संस्कृति इंसान को बंधन और अंधविश्वास के नीचे दबाए रखे वो कैसी संस्कृति हुई ताई जी? क्या चूड़ा या कंगन सवा महीना पहने रखने से पति पत्नी का रिश्ता जिंदगी भर के लिए मजबूत हो जाता है? क्या ये उनकी जिंदगी भर खुश रहने की गारंटी होती है? वीरा तू नहीं समझेगी, चूड़ा सुहाग की निशानी होता है और पति पत्नी के रिश्ते को हमेशा बनाए रखता है। चूड़ा और कंगन रिश्तों को जोड़कर रखता है। अगर चूड़ा या कंगन पहनने से रिश्ते जुड़ जाते ना तो सच्ची दुनिया का हर एक इंसान ना चूड़ा और कंगन का ही सहारा लेता रिश्तों को जोड़े रखने के लिए, फिर तो कभी रिश्ते टूटते ही नहीं। रिश्ते कंगन चूड़ी मंत्र श्लोक से नहीं जुड़ते, बल्कि उनको जरूरत होती है मान प्यार विश्वास और एक दूसरे के प्रति परवाह की। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि असल रिश्ते खून से भी नहीं जुड़ते, दिल से जुड़ते। जो रिश्ते दिल से जुड़ते हैं ना वो खून के रिश्तों से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। क्या है वीरा? कुछ नहीं छोटे चन, बस हमारी वीरा सयानी हो गई। फिर तो वीरा दीदी की शादी करवा देनी चाहिए। मैं क्या बाजी, अब भी सहरा बांधने की तैयारी शारी कर लो है वही। मैनू नहीं करनी शादी वादी। रतन मैं माफी चाहती हूँ, जो हुआ उस पे मिट्टी पाओ। वीरा जो कह रही है ना बिल्कुल सही है, चलो रस्में शुरू करते हैं। पहला नहीं पुत्र, तू जा बाहर जाके जरा टहल के आ,
हमें अपनी रस्म करनी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।